बहुत लोगों के मन में चल रहा था कि कहीं उमेश यादव आरती का यूज तो नहीं कर रहे हैं उसके पिता को फंसाने के लिए या उसके परिवार वालों को बर्बाद करने के लिए। लेकिन ये जो है कि दूध के तरह साफ हो चुका है कि अपनी बेटी समझते हैं उमेश यादव आरती को, और अपनी बेटी को अपनी बहू बना लिए, ये बहुत ही बड़ी बात है। आज मेरी मन्नू की शादी है, आज मेरी अरिति की शादी है, शादी है मेरे मन्नू की शादी। क्या सवाल है, बढ़िया हमसे कीजिए। हम है ना मेन मुद्दा, नहीं नहीं लोग बोल रहे थे, लोग बोल रहे हैं। कड़वा सवाल होगा, पहला सवाल मेरा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि मैं अपने प्रेमी उस प्रेमी के लिए दिए हैं खेत के तरफ। और फ्रेंड्स, आप सभी ने शुरुआत में देखे हैं आरती और छोटू का वीडियो, सॉरी आरती और मन्नू का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आरती और मन्नू शादी कर ली हैं छोटू के बड़े भाई से, यानी अपने जेठ जी से। और वैसे तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी शादी कर ली हैं। तो आरती जी, आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और आगे बढ़ो। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है, और वो मीडिया वाला जो भैया था और साथ और आरती से सवाल ये कर रहे थे कि आरती जी, आप सोशल मीडिया पर बोल रही थी कि मैं छोटू के विधवा बनकर जी लूँगी और रह लूँगी, तो फिर इतना जल्दी क्या था कि आपको शादी करना पड़ा? और छोटू को अभी 5 महीने सिर्फ मरे हुए हुए हैं और आप शादी कर लिए हैं। तो आरती का कहना है कि गांव वाले समाज वाले को दबाव था, इसलिए शादी मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, गांव वाले और समाज वाले को कोई दबाव नहीं था, किसी को यानी गांव समाज वाले को बिल्कुल भी पता नहीं था। अगर पता होता तो आप सभी के साथ में मैं एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ वीना मानवी का, तो आप लोग उनको भी जानते हो तो आप सभी को पता चल जाएगा। और सच बात है ये कि 24 को लड़का आया और 25 का शादी हो गया, तो इसमें पहले से यानी सोच कर रखे हुए थे और अपना शादी एक ही दिन में कर लिए हैं, तो कोई बात नहीं। और चलो थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर देती हूँ। कैसे कह सकती हैं वीना जी, आप कैसे कह सकती हैं? आपने जो आरती कहती है कि मैं छोटू की विधवा बनकर मरना पसंद करूंगी। दुख इस बात का है कि उस बच्ची ने मुझे याद नहीं किया, कितना बेवकूफ की तरह हंसते हुए मुंह छुपा रहा है, उसकी हंसी कहाँ से निकल रही? ठीक नहीं हो जाता होली के बाद? आप ऐसा कौन सा आंधी तूफान आ रहा था कि एकदम 24 को लड़का आया नहीं कि 25 को आप शादी कर डाले? तो ये कहीं ना कहीं भाई ये मोहब्बत थी या ये अट्रैक्शन था? ये देखिए आरती वाली चीजों में ये सब देख के तो अब यही लग रहा है कि प्रेम नहीं था। अब लग रहा है, हाँ अब लग रहा है ये प्रेम नहीं था। प्रेम रहता ना तो जो आरती पूरे समाज के लिए इतना माइक पे है, क्योंकि आप ही आरती कह रही थी मीडिया के सामने कि मैं आरती की छोटू की विधवा बनकर रहना पसंद करूंगी लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगी। और आप सभी को वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप सब अपनी गरीब बहन को प्लीज सपोर्ट करना। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।